मेरे को यहाँ पे 30 साल हो गए काम करते हुए, तो 30 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं और अपने चल रहा है, सर्कल चल रहा है सर। आज सुबह सर इन्होंने 6 बजे आके 3-4 बलडोजर लेके, वो म्यूनसिपैलिटी वाली 4-5 गाड़ी लेके आए, सब तोड़ फाड़ करके इन्होंने जो सामान था वो निकालने नहीं दिया सर, सब ले गए अब उठा के भर भर के ट्रकों से भर भर के ले गए अपनी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियों में डाल के, हमें अंदर घुसने नहीं दिया सर, तोड़ फोड़ करके हम बेरोजगार हो गए, हम कहाँ जाएंगे बताओ। नहीं सर, हमें कोई नोटिस नहीं मिला सर, कोई नोटिस नहीं मिला हम, सर हमारा तो जो फड़ी वाला है 60-70 हज़ार रुपया तो सामान होता ही है सर, इतना ही है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं सर, कहाँ से लाएंगे हम, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी तो मिलती नहीं है सर। सर पहले भी आज से 2 या 3 में हुआ था, उसके बाद ये म्यूनसिपैलिटी ने खुद बिठाया हमको यहाँ पे कि आप यहाँ पे बैठो, आपको कोई तंग नहीं करेगा। हाँ बसंत रहा था, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला सर, हम साइड पे हैं, हॉस्पिटल वाले जैसे हॉस्पिटल है जहाँ से गरीब तबका भी आता है सर, ये फड़ी वाले 10-20 रुपये में अपना पेट भर लेते हैं सर, होटल में जाएंगे तो कितना खाना एक टाइम का, वो 100 रुपये ले लेते हैं सर। सर कोई 50-60 खोखे थे सर हमारे, 50 के करीब खोखे थे, उन्होंने सब तोड़ दिए सर, आए थे वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, बस आर्डर तो पुलिस वालों तो हमने घुसने दिया सर, सब ले गए सर, लूट के तोड़ के सर, डिमांड चाहते हैं, सामान तो चला गया सर, हमको बिठाने हमारी, हम तो बेरोजगार हो गए सर, हम तो अभी भूख हड़ताल पे बैठने लगे सर, हमारी रोजी रोटी चलेगी ना, नौकरी है, मेरा परिवार है। ये जनाब ये सैनिटेशन चार्ज जो लेते हैं महीने का 100 रुपया पर्ची जो है ये हमसे काटते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये 97 का ये है, ये डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला ने लिख के दिया था कि इनका कुछ करो, वो भी नहीं किया उन्होंने। उसके बाद ये कमिश्नर है, ये कमिश्नर ने पूरा ये किया, इनको वेरिफिकेशन की सारा कुछ है, ये ऑर्डर है इनका कमिश्नर साहब का, और ये लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट है, ये सारे कमिश्नर ने की हुई हमारी जो फाइल लगी हुई थी, हम इनलीगल नहीं बैठे हुए, हमें मेयर साहब ने बिठाया था, कविंदर गुप्ता जी, और उन्होंने बिठाया था हमें, उसके बाद जो है हमारी फाइल बनी और वेरिफिकेशन हुई, और डिप्टी सीएम जो बने ताराचंद जी, उन्होंने कमिश्नर को बुलवा के और उन्होंने एक आर्डर निकलवाया, और आर्डर के तहत यहाँ पर 5 मेंबर कमेटी कमिश्नर ने बनाई, और 5 मेंबर कमेटी ने जो है वो अपनी रिपोर्ट उनको सौंपी है, वो हमारे पास है, और वो जो है उनको दी, और उन्होंने जो है एक फॉर्म दिया कि भाई पैसे दे दो। जहाँ से हम बूढ़े जहाँ पर हो गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, 30 साल से ऊपरी हैं, पहले चौक में थे, चौक बैंडिंग किया और हमें यहाँ शिफ्ट किया, अब ये बोलते हैं कि आपको यहाँ हमारे से अंडरटेकिंग ली गई, कोई मैसेज नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं होता, अगर ये मैसेज देते हम इनके साथ बात करते कि भाई हमें अगर ये वाली जगह आपको चाहिए तो हमें शिफ्ट कर दो, हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। हमारी डिमांड यही है कि इमीजिएंटली जम्मू का माहौल मत खराब करो, हम लोग जो है ना मुख्य धारा के अंदर हैं, हम लोग जो है पीसफुल रहना चाहते हैं, हम लोग जो है दिन को कमाते हैं रात को खाते हैं, हमें ये चाहिए कि भाई हमारे को काम करने दिया जाए, जैसे उन्होंने पहले डिमोलिशिंग की थी फिर यहाँ पर बिठाया था, हम चाहते हैं कि इमीजिएंटली हमको यहाँ पर बिठाया जाए, और हमारा कदम ये होगा कि हम इनसे बात करके, अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे हम धरने पर बैठेंगे और उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे, हमें हमारी ऐसे भी रोजी रोटी हमारी छिन गई है तो हमने जी के करना क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। म्यूनसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन।